हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ हेयर केयर की एक बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेमेडी से हमारे हेयर में रीग्रोथ आ सकता है, हमारे हेयर को बहुत अच्छी क्वालिटी मिल सकती है और हमारे हेयर की लेंथ भी दो गुना फास्टर बढ़ सकता है। हमारी हेयर की ओवरऑल प्रॉब्लम काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है इस रेमेडी से। पिछले 2 मंथ से मैं ये रेमेडी यूज़ कर रही हूँ और आप भी इसे अपने बाल पर बिल्कुल भी यूज़ करके देखें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। हमारे बालों में रीग्रोथ जनरेट करता है, जिससे हमारे बाल सुपर सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। और ये रेमेडीज लगातार मैं अपने बालों पे अप्लाई करती आ रही हूँ। पिछले 2 मंथ से ये रेमेडी मैं अपने बालों पर अप्लाई करते आ रही हूँ, जिसका इफेक्ट मेरे बालों पे सबसे ज़्यादा पड़ा है। हेयर रीग्रोथ भी हुए हैं और हेयर में शाइनिंग भी आई है। तो इस रेमेडी को आप यूज़ करके देखें, आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा रेमेडी। सबसे पहले आप एक जार में ऑनियन ले लें और अब हम इसका जूस बना लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। ओके, ऑनियन जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज़ आप देख रहे हैं कि मैंने अनियन जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है और अब मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। एक कंप्लीट एलोवेरा लीफ मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अगर आपके पास ओरिजिनल एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें ऐड करें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। और 2 विटामिन ई कैप्सूल। मैं यहाँ ईवीएम 400 का विटामिन ई कैप्सूल यूज कर रही हूँ। मिक्सचर को आप ब्लेंड कर लें और अपने बालों में अप्लाई करें और 45 मिनट्स के बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें। और अगर आपके स्किन और हेयर से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।